वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, आई एम श्रेयसी वाचिंग माय चैनल श्रेयसी टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ एक किचन 8x6 फीट का एक किचन है फ्रेंड्स, और इसका जो प्राइस आया है, इसका जो कॉस्ट आया है, वो भी मैं एंड मोमेंट तक आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मेरे चैनल में इंटीरियर डेकोरेशन के साथ साथ ब्यूटी रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस आते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए, जो किचन है इसका जो डिजाइन किया गया है, और इसमें जो मेटेरियल यूज किया गया है फ्रेंड्स, वो मैं पहले आप सबसे शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें मेटेरियल जो है वो सेंचुरी सरमा का है, सेंचुरी प्लाई के साथ यूज किया गया है, और उसके साथ फिटिंग फिक्सिंग के लिए जो गोदरेज का नॉब यूज किया गया है फ्रेंड्स, और प्राइस वो भी मैं शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चिमनी है, चिमनी को हम पूरा इसको कवर कर दिया है, तो क्योंकि ये ज्यादा देखने में ज्यादा ये सिंपल लगता है, ज्यादा फ्रेश लगता है देखने में। तो देख सकते हैं किस तरह इसको हाइट किया गया है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट इसके ऊपर आते हैं किस तरह इसको हाइट किया जाते हैं, तो इस तरह इसको हाइट किया गया है। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल में वीडियोस है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह अब देखिए ऊपर में पूरा इसको किस तरह, इसका जो एग्जिस्ट पाइप है उसको किस तरह बाहर निकल दिया गया है, तो इसके ऊपर डिटेल्स भी जो है आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर इसको हाइट किया गया है, और यहाँ पर एक यूनिट है, इस तरह पल्ला जो है इस तरह खुलते है, और यहाँ पर हाइड्रोलिक दिया गया है, तो इस तरह इसके ऊपर हाइड्रोलिक दिया गया है फ्रेंड्स। और ये जो किचन है फ्रेंड्स, ये सेमी मॉड्यूलर किचन है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रानाइट यूज किया गया है, ये ग्रानाइट बिल्डर्स से ऑलरेडी मिला था, बिल्डर्स ने इसको ऑलरेडी इसको पुट कर दिया था, और उसके बाद इसका जो गेटअप लास्ट मोमेंट पर इसका जो गेटअप वो हम लोग क्रिएट किया। तो यहाँ पर ड्रॉअर सिस्टम है, 3 ड्रॉअर्स यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक ऐसे एक यूनिट है, यहाँ पर दो जगह दो स्पेस दिया गया है, ऊपर और नीचे में दो स्पेस है, और अब देख सकते हैं ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर का जो ये जो पल्ला है ये पूरा इस तरह मुड़ जाते हैं, तो आप कॉर्नर को आप ढंग से अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो आपका ये जो पार्लर है पूरा कॉर्नर जो है पूरा के पूरा एकदम से आपके हाथों के सामने आ जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर भी एक यूनिट दिया गया है फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक यूनिट क्रिएट किया गया है, यहाँ पर स्पेस ज्यादा नहीं है, जस्ट 4 इंच का एक स्पेस यहाँ पर था जिसको हम लोग यूज किया, और क्रॉकरी यूनिट के लिए इसको यूज किया गया है, और ये जो क्रॉकरी यूनिट ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये जो स्पेस मिल जाता है आपके किचन में तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होता है। यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर जो यूनिट है इसका जो डिजाइन किया गया है, तो आप देख सकते हैं ये जो पल्ला है ये इस तरह इस ओर नहीं खुलता है, तो इसका इस तरह डिजाइन किया गया है, तो देखे ये इस तरह इसको ओपन कर सकते हैं। इससे फायदा क्या मिलेगा, आपका जो किचन का जो बर्तन वगैरह होगा या आपका जो भी आप रखना चाहते हैं तो आपके हाथों के सामने वो आ जाएगा बिल्कुल, तो इधर जो खड़ा होकर जो कुक करने वाले हैं तो इसके लिए ये ज्यादा आसान होगा कि कोई भी चीज यहाँ से सामान हो तो यहाँ से इसको निकालना और इसको रखना ज्यादा इजी होगा फ्रेंड्स। तो इसका जो डिजाइन इस तरह किया गया है, ये जो सेमी मॉड्यूलर किचन है फ्रेंड्स, तो किचन में अच्छे क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि किचन में पानी का कम होते हैं, ज़्यादा पानी गिरते हैं, तो अच्छे माइका और अच्छे प्लाई के साथ जाना ज़्यादा उचित होगा। तो इसका जो मटेरियल के ऊपर जो कॉस्ट आया है, बजट जो आया है वो अप्रॉक्स 65,000 से 70,000 के आसपास के है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज के वीडियो, अगर अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस तरह के नए नए वीडियोस इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर नए नए वीडियोस और इसके साथ साथ ब्यूटी रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।